राजनांदगांव प्रेस क्लब में आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के अध्यक्ष ने गन्ना की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए गन्ना खेती प्रोग्राम को लॉन्च किया। उन्होंने इस खेती से एक एकड़ में 1,00,000 रुपए का फायदा होना बताया। इस मौके पर कांग्रेस की जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। वहीं राजनांदगांव प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि निश्चित रूप से गन्ने की खेती बहुत लाभ की खेती है और धान की तुलना में गन्ने में बहुत फायदा है। इसी को पूरे एक साल के अध्ययन के बाद हमने ये महसूस किया कि इस जिले में भी गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाए। लगभग 1,00,000 रुपये एकड़ का लाभ की खेती है, इसलिए हम लोग आज इस पूरे एक साल से मेहनत करने के बाद आज गन्ने की खेती के प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कृषक चौपाल के माध्यम से किसानों को जागरूक करेंगे, इस अभियान से जोड़ेंगे और कोशिश होगी कि राजनांदगांव जिले में खैरागढ़ जिले में मोहला मानपुर जिले में भी गन्ना अधिक से अधिक उत्पादन हो सके और किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। किसानों को लेकर क्या, निश्चित रूप से हमारी ये योजना है कि जब गन्ना का कृषि किसान करेंगे, उत्पादन किसान करेंगे, तो सहकारी समिति के माध्यम से गुड़ की फैक्ट्री बना करके उसकी खपत का भी काम किसानों के माध्यम से किसानों को मजबूत बनाने, किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में हम गुड़ की फैक्ट्री भी सहकारी समिति के माध्यम से खुलवाएंगे। हमारे राजनांदगांव जिला और दो अन्य जो जिले हैं उसमें गन्ने की खेती के लिए जमीन कितनी उपयुक्त है? पर्याप्त क्लाइमेट है, बहुत अच्छी जमीन है, बहुत अच्छा पानी है, यहाँ पर बहुत अच्छा एक उसका आंकड़ा भी आया है। पंडरिया में लगभग 1 क्विंटल गन्ने में 13.5 किलो शक्कर का उत्पादन हुआ है, जो पूरे देश में एक रिकॉर्ड उत्पादन है। टीसी 24 न्यूज के लिए राजनांदगांव से संवाददाता विपुल कनेक रिपोर्ट।